राज्य विज्ञान शाला शिक्षण संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जनपद स्तर, मंडल स्तर और राज्य स्तर पर बच्चों की 46वीं नेहरू विज्ञान गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी 2018 के रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला में बुधवार से प्रारंभ हुआ। वर्तमान समय में मंडल स्तरीय प्रदर्शनी का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 3 दिन तक चलने वाले इस प्रदर्शनी में 4 जिले गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज और कुशीनगर के छात्र छात्राएं प्रतिभाग करेंगे। छात्रों को 6 विषय पर मॉडल के द्वारा प्रदर्शनी करेंगे। मंडल स्तर पर चयनित छात्रों को आगरा में प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। प्रदर्शनी से संबंधित विशेष जानकारियां विद्यालय के प्रधानाचार्य नंद प्रसाद यादव ने छात्रों को दिया। इस अवसर पर भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला के जयप्रकाश, नेहा श्रीवास्तव, वंदना गुप्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पांडे ने कहा, ऑक्सीजन मोटर है ये, नॉर्मली हम लोग ब्लैक कलर में यूज़ करते हैं। मैम इसको हम लोगों ने पेट्रोल में डाला है और ये जो पेट्रोल है ये ऑक्सीजन मोटर से इसमें एयर जा रहा है और वेपराइज होके इस गैस बॉटल में आके फिर उसके बाद ये गैस बॉटल से बर्न होने जा रहा है और ये फिर बर्न है, इसको बर्न होता है। अल्टीमेटली पेट्रोल ही बर्न हो रहा है, पेट्रोल का वेपर बर्न, डायरेक्टली पेट्रोल लगे। लेकिन मैम ये जो कैलोरीफिक वैल्यू है 1 जूल पर ग्राम है और जो हमारी पेट्रोलियम गैस की वैल्यू है वो 46.1 जूल पर ग्राम है, यानी इससे 3 जूल ज़्यादा देता है एलपीजी गैस से मैम। और ये हम लोगों ने रिसर्च किया था तो मैम 4 उड़ते उड़ते मैम पेट्रोल 4 घंटे तक चला, 4 घंटे मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 4.5 घंटे चला था, लेकिन हम लोगों ने इसको 4 घंटे माना। और तो मैम ये जो हमारा है वो 10 रुपीज़ पर डे के हिसाब से खाना बनाएगा मैम, 10 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, और यानी ये 30 डेज़ का 300 रुपीज़ हुआ। और जो हमारा एलपीजी गैस पड़ता है वो पड़ता है 975 रुपीज़। क्यों तो मनुष्य इसकी जो रचना की फंडामेंटल चीज है ये क्या मिक्सर चलता है उसे ये होता है और उसके कारण क्षेत्र में सांस लेने की समस्या हो रही है, वायु प्रदूषण हो रहा है, अंदर जानने की इच्छा पैदा हुई कि ये हो रहा है इस कारण परिणाम क्या होगा, इस गर्ज पर आया कि इससे वायु प्रदूषण हो रहा है। तो जो हमारी अपनी ओरिजिनलिटी है वो ये है कि हम जिज्ञासु हैं और हम यदि जिज्ञासु नहीं बनते हैं तो मानव की मौलिक क्षमता से अपने को वंचित करते हैं। सामाजिक और प्राकृतिक हाँ जो हमारा पर्यावरण है इससे हमको कितना लाभ हो रहा है, बच सकते हैं, उससे बचने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। राज्य विज्ञान शाला शिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा आदेशित हुआ है कि जनपद स्तर, मंडल स्तर और राज्य स्तर पर बच्चों की प्रदर्शनी कराई जाए। ये 46वीं नेहरू विज्ञान गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी 2018 का आयोजन हो रहा है। इस समय ये मंडल स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन हम लोग करा रहे हैं। संयुक्त शिक्षा निदेशक सप्तम मंडल गोरखपुर के द्वारा आदेशित किया गया है हमें कि दिनांक 5, 6 एवं 7 दिसंबर 2018 को इस प्रदर्शनी का आयोजन कराया जाए। इस प्रदर्शनी में 4 जिले के छात्रों को प्रतिभाग करना है। 4 जिलों के चयनित जो प्रतिभागी होंगे वो इसमें प्रतिभाग करेंगे। तो इसके अंतर्गत गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज और कुशीनगर के बच्चों का आज पंजीकरण हो रहा है। तो आज प्रथम दिवस है इसलिए बच्चों का पंजीकरण का कार्यक्रम चल रहा है। बच्चे अभी आ भी रहे हैं, काफ़ी बच्चों ने पंजीकरण कराया भी है और आज पंजीकरण होगा
और फिर निर्णायकों द्वारा मूल्यांकन होगा और परसों फिर इसका रिजल्ट हम लोग घोषित करेंगे और जो यहाँ से चयनित होंगे बच्चे वो फिर आगरा जाएंगे, आगरा में वो अपने मॉडलों का प्रदर्शन करेंगे। जो प्रथम इसमें 6 उपविषय हैं, इस प्रदर्शनी में 6 उपविषय हैं, कृषि है, स्वास्थ्य है, अपशिष्ट प्रबंधन है, गणितीय प्रतिरूपण है और 2 भी उपविषय हैं इसमें। प्रत्येक उपविषय में जो प्रथम छात्र होगा वो राज्य स्तर पर प्रतिभाग करेगा जो कि आगरा में आयोजित होना है। अब इसमें भी 3 वर्ग बने हुए हैं, जूनियर वर्ग, सीनियर वर्ग और प्रशिक्षण वर्ग। सब में 6-6 उपविषय हैं, सबके जो प्रथम प्रतिभागी होंगे, जो प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे वो आगरा जाएंगे। संभवतः तिथियां 18-19 संभावित हैं, 18-19-20-21 दिसंबर 2018 को आगरा में संभावित हैं। ये बच्चे वहां जा करके प्रतिभाग करेंगे उस प्रतियोगिता राज्य स्तर।